दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज हम चेक करने जा रहे हैं कैरी एंगल का पॉइंट। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर कैरी एंगल का क्या पॉइंट होता है। आज हम आपको उसको विस्तार से पूरा बताने वाले हैं कि आखिर कैरी एंगल होता क्या है। जब भी आप कोई भी मेडिकल देते हैं, आर्मी का दें, एयरफोर्स का दें, नेवी का दें, या किसी भी फोर्स का जब आपका मेडिकल होता है, चाहे CRPF हो या BSF हो, उसमें कैरी एंगल का पॉइंट आपका जरूर चेक किया जाता है। कैरी एंगल क्या होता है? आपके एक एंगल प्रदान किया जाता है हाथों को, ताकि आपके चलने में आपके हाथ जो हैं पीछे की तरफ टच ना हो, आगे की तरफ टच ना हो। इसमें आपके तीन पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपका 15 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी होता है। 5 से लेके अगर 15 तक आपका एंगल है तो वो आपका नॉर्मल वे पे जाएगा, आपको नॉर्मल माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आर्मी वाला सही ऑफिसर होता है तो 20 डिग्री तक भी फिट कर देता है, लेकिन जो मानक होता है वो 15 डिग्री का होता है। अगर आपके 15 डिग्री तक एंगल है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। इसमें आपके दो पॉइंट और होते हैं। पहला पॉइंट होता है क्यूबटस वेरस। इसमें क्या होता है, आपके जो दोनों हैंड होते हैं ये दोनों अगर आपके सटे हुए पाए जाते हैं, मतलब 5 डिग्री से कम का एंगल आपके होता है, तो क्यूबटस वेरस का पॉइंट होता है। अगर आपके दोनों हैंड आपके बाहर की तरफ निकले होंगे, इस तरह अगर आपके हैंड बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो ये होता है क्यूबटस वल्गस का पॉइंट होता है, जिस पे आपको बाहर कर दिया जाता है। इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज नहीं होती है कि हम आपको एक्सरसाइज के द्वारा सही करें या कुछ मशीनों पे हाथ डाल के आपका सही करें। नॉर्मल होता है, जैसे आर्मी वाले में है, अगर आपका नॉर्मल कैरी एंगल पाया जाता है तो आप पुशअप के द्वारा इसको सही कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम आपको बता देंगे, अगर किसी किसी का होता है कि एक्सरसाइज से भी सही हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सही नहीं हो पाता है। तो आज हमारे साथ गर्ल्स हैं जो कि एयरफोर्स की गर्ल्स हैं, एयरफोर्स का इनका फिजिकल लगा हुआ है, फिजिकल के बाद तुरंत मेडिकल है, और बाकी सभी आर्मी की गर्ल्स हैं। तो आइए हम चेक करके देखते हैं कि कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके ये कैरी एंगल का पॉइंट पाया जाता है। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी आपको मेडिकल की कोई भी नीड है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये होता है कैरी एंगल का पॉइंट। आप देख सकते हैं इस बिटिया के दोनों हाथ जो हो रहे हैं ये ज्वाइंट हो रहे हैं। अगर आपका इस तरह का ज्वाइंट पाया जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। इस तरह से आपके दोनों हाथ सटने नहीं चाहिए। कुछ बच्चियां क्या करती हैं, जैसे इसने अभी गलती की है, इसने हाथ को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा है। आपने अगर ढीला किया और ढीला करके हाथ ऐसे ज्वाइंट कर लिए, तब भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अनफिट पॉइंट है नहीं, लेकिन इसने क्या किया कि वहाँ पे खड़ी हुई और खड़े होने पे इसने दोनों हाथ अपने जोड़ लिए। ऐसा करके आपको मेडिकल पे बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना है। दोनों हाथ आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और इस तरह से आपको चेक कराना है। ये होता है मेन पॉइंट, आप देख सकते इस तरह से। ये आप देख सकते हैं
ये है क्यूटस वेरस का पॉइंट। इस बिटिया के दोनों हाथ बिल्कुल ज्वाइंट हो रहे हैं। अगर इस तरह का आपका हाथ चिपक रहा होता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। इसमें आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं कम से कम 3 महीने तक, तब आप जाके फिट हो पाएंगे। इस तरह से आपके हाथ चपकने नहीं चाहिए, कम से कम 15 डिग्री का, 5 से लेके 15 डिग्री का एंगल होना जरूरी होता है। तो अभी आपने देखा कि हमने कैरी एंगल के तीनों पॉइंट आपको 15 डिग्री का एंगल से लेके क्यूबटस वेरस और क्यूबटस बल्गस दोनों की व्याख्या करके आपको बताया है कि किस तरह से आपके हैंड आपके फिट हो सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।